अगर आप शौकीन हैं इंटरनेट पर काम करके पैसे कमाने के, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन में बहुत सारी ऐसी वेबसाइटें मौजूद हैं जिसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट करके पैसे बना सकते हैं। उसके बाद काफ़ी ऐसी वेबसाइटें भी आ जाती हैं जो हमें विदाउट इन्वेस्टमेंट पैसे देती हैं। सबसे पहले तो इन दो चीज़ों के बारे में आप लोगों से बात करूँगा, उसके बाद आप लोगों को बताऊँगा कि कौन सी वेबसाइटों के अंदर हमें काम करना चाहिए, फ्री वाली, इन्वेस्टमेंट वाली, और सही तरीका कौन सा है काम करने का। तो वीडियो को पूरा देखें, चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी मजीद वीडियोस मिलती रहें जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकती हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं जी फ्री वाली वेबसाइटें, जिसके अंदर हमने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती, काम करके उनसे पैसा लेना होता है। तो काफ़ी ऐसी वेबसाइटें हैं जो हमें पैसा देती हैं और काफ़ी ऐसी वेबसाइटें हैं जो हमसे मेहनत तो काफ़ी ज़्यादा करवाती हैं लेकिन पैसे नहीं देती। तो ऐसी चीज़ों से आप बचें। अगर तो वहाँ से किसी ने विड्रा लिया है, आपके सीनियर ने, आप उसका विड्रा प्रूफ वगैरह देखें, सही तरीका अगर आपको लगता है तब काम करें। तो और उसके बाद शुरू में वो 5 से 10 लोगों को विड्रा देती हैं, उसके बाद विड्रा देना बंद कर देती हैं। अगर तो आप उन 5-10 लोगों में शामिल होते हैं तो आप उसके अंदर काम करें, हो सकता है आपको विड्रा मिल जाए। अगर आप लेट हो गए हैं, आपको पता चले कि यार ये वेबसाइट तकरीबन 2 महीने 3 महीने 1 साल से काम कर रही है, काफ़ी लोग यहाँ से ले चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो आपको भी विड्रा देगी। तो ऐसी चीज़ों से परहेज करें, उसको साइड पे कर दें। उसके बाद आते हैं जी इन्वेस्टमेंट वाली वेबसाइटों की तरफ। इन्वेस्टमेंट वाली वेबसाइटों के अंदर बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है। काफ़ी लोग जी अपनी वेबसाइटें बना के आप लोगों के साथ शेयर कर रहे होते हैं कि जी इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें, आपको इतना प्रॉफिट होगा। उसको भी आपने पहले अच्छे तरीके से सर्च करना है। सर्च करने के बाद जब आप उसके अंदर डिपॉजिट करते हो तो वहाँ पर एक ट्रस्ट स्कोर लिखा आता है। अगर आपने नहीं देखा तो मैं यहाँ पे आपको एक पेज शो करवा दूंगा। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपने ये ट्रस्ट स्कोर देखना है। अगर तो ये हाई है तो वेबसाइट समझे तकरीबन ट्रस्टेड है। अगर ये हाई नहीं है, लो है, कम है, तो आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट हरगिज ना करें। ऐसी वेबसाइटों से बचें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट वाली वेबसाइटें आपका बहुत सारा पैसा लेके भाग सकती हैं। आजकल काफ़ी हो भी चुका है, तो ऐसी चीज़ों से बचें। अब तीसरी चीज़, यानी कि किन वेबसाइटों के अंदर काम करना चाहिए, ऑनलाइन में सही तरीका कार कौन सा है काम करने का, तो ये तरीका ज़रा ध्यान से सुनिएगा। ऑनलाइन में कामयाब होने का सही तरीका ये है कि जब भी हम कोई फ्री वाली वेबसाइटें देखते हैं, हम धड़ाधड़ वहाँ पे गिरना शुरू हो जाते हैं जी, ये कर लें, वो कर लें, रेफर बना लें, काम कर लें, लेकिन वो हमें कुछ भी नहीं देती। उसके बाद इन्वेस्टमेंट वाली वेबसाइटों के अंदर हम लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब हमें वहां से प्रॉफिट आता है, हम 4 पैसे और अपनी जेब से ऐड करके 3 और बंदों को फंसा के उसके अंदर पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो हमारे पैसे लेके भाग जाते हैं। ठीक है, जो तीसरा तरीका है, यानी कि कैसे पता चले कि यार इसके अंदर काम कैसे करना है, क्या हिसाब किताब है, तो आपने हमेशा ऐसे करना है जो आपको वेबसाइट अच्छी लगे आपने उसके ऊपर अपना अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद देखना है कि रेफर, यानी कि विदाउट इन्वेस्टमेंट अगर हम कोई रेफर बनाएं, किसी और की इन्वेस्टमेंट करवाएं, जो हमें रेफर कमीशन मिलेगा, क्या वो हम निकलवा सकते हैं? अगर तो वो आप पैसे निकलवा सकते हो तो आपने और लोगों को लेके आना है, और लोगों की इन्वेस्टमेंट करवानी है, अपनी आपने इन्वेस्टमेंट मिनिमम करनी है, यानी कि जो आप इन्वेस्टमेंट करोगे वो आपने मिनिमम करनी है, जितनी उस वेबसाइट के अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, और बाकी लोगों की इन्वेस्टमेंट करवाएं, जो रेफर कमीशन होता है तो वो अपने पास रखें, जो आपकी इन्वेस्टमेंट में है, जो उससे प्रॉफिट बनता है उसको आप चाहे रीइन्वेस्ट करते जाए। इससे ये होगा, अल्लाह ना करे कभी वेबसाइट भाग भी जाए, तो उतना पैसा आपने निकाल लिया होगा जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो बाकी जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है उससे आप अपने लेवल को अप करते जाएं। तो इस तरीके से चेन बना के, यानी कि ऑनलाइन का जो असल तरीकेकार है वो यही है, नेटवर्क मार्केटिंग, यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग करें और लोगों को अपने साथ जोड़ें और इस तरीके से काम करें। और उन लोगों का जो आपके साथ जुड़े हुए हैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं अलग से, ताकि कोई और वेबसाइट आए तो वो लोग आपके लिए एक्टिव खड़े हों आपके कहने पे इन्वेस्टमेंट। इसको बोलते हैं सही मायने में ऑनलाइन काम करना। तो उम्मीद करता हूँ आज आपको पता चल गया होगा कि फ्री वाली वेबसाइटों के अंदर काम करना है, इन्वेस्टमेंट वाली के अंदर काम करना है, या फिर चेन बना के सही तरीके से काम करना है, इंटरनेट से बाकी कुछ कमाना है। तो ये जो तीसरा तरीकेकार है वो 100% बेस्ट है, इसको एक दफ़ा लाजमी आजमाइएगा। हमें दें इजाज़त, मेरा गला भी खराब है तो मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें सपोर्ट करें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।